doesn't it? Hello and good afternoon. ऑडिट पढ़ने आए हो? अबे तो घर जाओ फिर, ऑडिट पढ़ने की चीज नहीं है बेटा, करने की चीज है। बाबा रामदेव भी बोलता है करने से ही होता है। सेटल्ड। एक बेसिक बात याद रखना, सब धंधा है। सब धंधा। दिस इज इट। धंधा, धंधा शब्द से तो परिचित हो गए, बहुत से लोग करते हैं धंधा। धंधा बड़ी सीरियस चीज है। कहते हैं ना कि धंधा करने वाले को धंधे की हर ट्रिक मालूम होनी चाहिए। एक आवाज आ रही है, यस सर। In auditing, you are required to state whether financial statements give true and fair view of state of affairs or not. So you need to know whether the basis of accounting applied in the preparation of those financial informations are true and fair or not. So you need to know the knowledge of accountancy. Then tax implications. You must know whether revenue has been properly recognized. You must know whether expenditure has been properly recognized after meeting out the tax liabilities, tax correction, you know, GST you must have read, direct tax you must have read. Thereafter you need to comply with laws. If it's a company, then its financial statement must have been prepared in a proper format. That means what? All the laws. So if it's an export-import company, then it must comply with THERA, FEMA. Then Ind AS, शायद अभी आपके कोर्स में नहीं है, अभी आपके कोर्स में सिर्फ AS है। It must comply with accounting standards also. So what it means, audit is not a stand-alone subject. It requires convergence of all the discipline. और इसी को हम कहते हैं धंधे की हर ट्रिक मालूम होनी चाहिए। It's not as simple as that you are merely ticking and then totaling and then signing it. ये तो कोई accountant भी कर सकता है, मुनीम भी कर सकता है, लेकिन आप मुनीम नहीं है, आप चार्टर्ड वाले मुनीम हैं।
इसलिए धंधे की हर ट्रिक पता होनी चाहिए. That's why I'm saying, ऑडिट पढ़ने की नहीं करने की चीज है. अगर ये सोच के आए हो कि एक थ्योरेटिकल पेपर है 100 मार्क्स का है, इसको पढ़ लेंगे, इसको रट लेंगे, इसमें 40, 42, 45 नंबर ले लेंगे, तो घर जाओ. इधर बैठ के टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है? गुलाबी धूप है, मौसम गुलाबी है, यहां बैठ के टाइम खोटी करने का क्या फायदा है? समय का इस्तेमाल करो. अबे गुलाबो तो तब मिलेगी ना जब बाहर देखेगा. तो कह रहा है गुलाबो नहीं है. किस्मत अच्छी है बेटा जो तेरी लाइफ में अभी गुलाबो नहीं है. सीए कर लेगा, जिस दिन आ गई ना उस दिन सीए भूल जाएगा. ये समझ ले, हमने बहुतों को देखा है गुलाबों के नाम के आगे बोर्ड लग गया सीए फलाना, और भाई फोटो कॉपी पहुंचाता रह गया. They say the name of the game is perhaps audit and assurance. अभी तक आपने स्टडी मटेरियल तो शायद देख ही लिया होगा. किसी के दिल के अरमान यूं पैरों तले क्यों जाए? They say the name of the game is audit and assurance. Have you ever thought why they have added the word assurance along with the word audit? Audit अपने आप में ही ठीक था, assurance क्यों डाला? है confirmation. What kind of confirmation? Accounts are audited well. ऑडिट से कंप्लीट नहीं हो रहा था. देयर आर मेनी कंपनीज हु मेंटेन लार्ज स्टाफ ऑफ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज. यू नो इन कंपनी लॉ दे हैव मेड द अमेंडमेंट दैट इफ द कैपिटल ऑफ ए कंपनी बियॉन्ड सर्टेन लिमिट देन दे विल हैव टू एम्प्लॉय फुल फ्लेज्ड कंपनी सेक्रेटरी हु शुड बी अ पास आउट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. अच्छा सुने भी नहीं है. अबे कान से मत सुना करो, दिल से सुना करो. आवाज सुनाई देगी, हर आवाज सुनाई देगी. तो कई कंपनियां ऐसी होती है जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का स्टाफ रखा होता है, कंपनी सेक्रेटरी का स्टाफ रखा होता है, उन लोगों ने उन कंपनीज के अकाउंट्स को बनाया हुआ होता है. आप जाके क्या कर देते हैं? वो तो वो भी कर सकते हैं, उनके पास भी इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट होता है, वो क्वालिफाइड होते हैं, कभी कभी तो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी होते. तो आप जाके क्या कर देते हैं? इधर आप छप्पा लगाते हैं एक्स वाई एम कंपनी सीए, फिर साइन कर देते हैं, तो इससे क्या होता है? नो, वन बाय वन. इट्स नॉट ए टीवी शो. वन बाय वन या वेल मेंटेन्ड है. और यही एश्योरेंस वो दे दें कि जी हमारे यहां 50 सीए बैठे हुए हैं, सब क्वालिफाइड हैं, सब एक्सपीरियंस है. कोई प्रॉब्लम हो तो हम जिम्मेवार हैं एश्योर करने के बाद. कुछ ऐसा ही है
कुछ ऐसा ही है। रिस्क वो भी लेने को तैयार हो सकते हैं कि साहब हमारे बनाए हुए अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम हो तो हम जिम्मेदार हैं फांसी चढ़ने को, वो भी कह सकते हैं लिख करके, वो 50 सीए भी लिख के कह सकते हैं उस नाजिर मोहब्बत की सजा पाने को, वो भी कह सकते हैं ना, वो नहीं कह सकते, वो भी कह सकते हैं। तो आप जाके क्या कर देते हैं, आपका छप्पा क्या इंश्योर कर देता है? रिलायबिलिटी बाय पब्लिक, और ये सबसे बड़ी बात है। इन योर लॉ यू मस्ट हैव रेड प्रोविजन अबाउट क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, देयर दे से डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी कैन नॉट बिकम ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी, एन एम्प्लॉई ऑफ दैट कंपनी कैन नॉट बिकम ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी, इवन एन एम्प्लॉई ऑफ द डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी। व्हाई? दे वांट टू कीप इट सेपरेट, they want to keep it unbiased. So if there is a staff of 50 people who are also chartered accountant, very senior they may be, but their assurance is not going to assure the public at large. Assurance given by an independent person would be more worthwhile than the assurance given by hundreds of employees. They may be a qualified CA, may not be a qualified CA, but this is not a rubber stamp, this is a stamp of reliability. तो अभी जो कहा ना कि रिस्क भी लेने को तैयार हूं, तो with this reliability comes the liability, liability of the auditor, कि अगर कल को कुछ गलत हो जाए तो मुझे पकड़ लेना। आपने शायद लॉ में NFRA के प्रोविजन पढ़े होंगे, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी की। अभी तक तो ICAI की एक कमेटी हुआ करती थी, अब NFRA की भी कमेटी आ रही है, तो मतलब क्या है, आपका पूरा सैंडविच बनने वाला है, एक तरफ ICAI, एक तरफ NFRA, और बीच में आपकी रिलायबिलिटी और आपकी लायबिलिटी, बोथ आर नाउ पुट टू टेस्ट। ये जाने दीजिए, ये सब तो चलता रहेगा, पहले तो यही जानना है ना कि हम करने क्या वादे हैं, ऑडिट नहीं करने वादे, ऑडिट कैसे करनी है ये सीखने वाले। और आ रट्टा मत मारना, ये धंधा है। अच्छा ये बताओ, तुम में से कितने हैं जो अपने घर में चाय बना लेते हैं? इस क्लास में आने के पहले मुझे तुम्हारी औकात का पता था कि तुम्हारे घर में तुम्हारी पहचान एक नौकर से ज्यादा और कुछ नहीं। अब वो भाई एक्सप्लेन कर रहा, आती है पर बनाते नहीं है। देखो बेटा, हकीकत को जितनी जल्दी लाइफ में कबूल कर लो, लाइफ उतनी ही स्मूथ रहती है। नेवर डिनाई एन हकीकत, नेवर। मैं कहना ये चाहता हूं, इसको कहते हैं कि नजर हमेशा ऊंची रखना, लेकिन नजर ऊंची रखने में एक बात जरूरी है कि पैर भी हमेशा जमीन पे रखना। नजर ऊंची रखो कोई बात नहीं, पैर भी जमीन पे रखना, और पैर यहां रखने वाले हैं, पैर यहां रखने वाले हैं, आराम से रखना, पैर भारी ना होने पाए। तो ये अब देखिए बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी नाम पढ़ के बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये ये कैलाश नगर से किसी का लंच बॉक्स आया है, अ
अब मैं मिस्टर या मिस नहीं कहूँगा, नाम इसमें लिखा है शुभम, अब मैं नहीं जानता कौन है शुभम, वो अगर यहाँ रखा आप बाद में ले लीजिएगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपने चाय बनाने की प्रक्रिया को कभी रटने का प्रयास किया? नहीं किया। ये ऑडिट भी कुछ ऐसी चीज है, जो काम हमारे रोजमर्रा का धंधा है, क्या हम उसको रट के कर सकते हैं? अरे रट के आदमी हनुमान चालीसा पढ़ लेता है, उसमें भी कहते हैं श्रद्धा होगी तो आपको फल मिलेगा, श्रद्धा नहीं होगी तो फल नहीं मिलेगा। काफी दिनों तक पूजा करते हुए मैं बगल में देखता रहा, श्रद्धा आई कि नहीं आई, फिर पता चला श्रद्धा तो अपने भीतर ही है। क्यों, किसी ने बताया दिन के आईने में तस्वीर है यार की, जरा नजर झुकाई और देख लिया। तो आपने चाय बनाना कभी रटा नहीं, यह आपके रोज का धंधा था और धीरे धीरे आप इसमें एक्सीलेंसी गेन करते गए। ऑडिट भी कुछ ऐसी चीज है, इसको रटने की नहीं, समझने की जरूरत है, क्योंकि ऑडिट आप आने वाले दिनों में अपने आप नहीं करने वाले, ऑडिट आप करवाने वाले दूसरों से, अपने आर्टिकल से, अपने स्टाफ से। सो यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल प्रोसेस and then you will be in a position to explain it to others. You will have to engage yourself into discussion with management ki sahab aapne ye galat kar diya, aapne wo galat kar diya, aapne ye wala ya sahi nahi lagaya, aapne wo wala ya sahi nahi lagaya, aapne ye entry sahi nahi pass kari, aur wahan bhi aapse senior CA shayad baithe honge companyon mein, wo aapse argument counter argument bhi karte hain, वो प्रक्रिया आप रट करके नहीं कर सकते। तो ये समझने का पेपर है, रटने का इरादा हो तो क्लास करने का कोई फायदा नहीं होता। दिस प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी इज गवर्न्ड बाई ICAI, तो ICAI इज द अपेक्स an authorized body to govern the profession of accountancy, to govern the profession of auditing in India. Of course ICAI has sister bodies all over the world, that is called as international body of accountants. Hame abhi usse zyada matlab nahi hai. What they have done, our institute was established by an act of parliament that is called CA Act 1949. Hum 1949 ki paidaish hai. Kya iske pehle Hindustan mein companies nahi thi? Kya iske pehle audit nahi hoti thi? 1949 mein apan bane, और फिर वो कुछ स्टैंडर्ड इश्यू करना शुरू किया उन्होंने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो आप कुछ पढ़ चुके होंगे। व्हाट आर दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? दे आर रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। दे टेल यू अबाउट अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग इश्यू, व्हाट काइंड ऑफ एन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैन बी गिवन टू एन अकाउंटिंग इश्यू, and if there is an accounting standard already in place issued by the ICAI, then an accountant has to follow that accounting standard only. What if there is an accountancy issue on which there is no accounting standard as such? Koi aisa mudda jis pe accounting standard nahi hai abhi, agar wo aapke samne aa jaye to aap kya uski entry nahi karenge? Karenge kuch apne dimag se apne hisab se bana ke karenge, karna to padega, क्योंकि अगर बिजनेस है, पैसा गया है या पैसा आया है,
तो आप उसकी एंट्री तो बुक्स में करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उससे यूनिफॉर्मिटी आएगी, उससे स्टैंडर्डाइजेशन आएगा। ऑडिट का प्रोसेस भी ऐसा ही है, इट्स कॉल्ड एन इवॉल्विंग डिसिप्लिन। हमेशा नई नई खोज करने वाला सब्जेक्ट है, ये अपने आप को बनाने की प्रक्रिया में लगा रहता है। जैसे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग आपने शायद नाम सुना होगा, एएस से आप थोड़े बहुत परिचित होंगे, एक और टर्म अभी आएगा गाइडेंस नोट्स। ये तीन है इंस्टीट्यूट के स्ट्रक्चर जिसपे ये पूरा एडिफिस बिल्ड करता है, अकाउंटेंसी का, ऑडिटिंग का और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का। एक चौथा खंभा भी है, वो आपके कोर्स में नहीं है, उसको कहते हैं स्टेटमेंट्स ऑन वेरियस ऑडिट मैटर्स। वो अभी आपके आईपीसीसी या सीए इंटर के कोर्स में नहीं, हालांकि आप सब तो सीए इंटर वाले होंगे, आईपीसीसी का तो शायद ही कोई होगा। आईपीसीसी का भी है भाई कोई? डायनासोर हो गए आईपीसीसी वाले, लुप्त प्रजाति। एनीवे, सो ये एसेज क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि 1949 से लेकर के करीब 1990 तक जब हम लोगों ने किया, तब तक आईसीआई ने 8-10 स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग डाले हुए थे। उनको पहले सैप कहते थे, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कहते थे, फिर एएएस कहना शुरू किया, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स कहना शुरू किया, अभी उसका नाम एसए के रूप में आता है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। व्हाट आर दीज स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग? जब ये स्टैंडर्ड्स नहीं थे तब क्या ऑडिट नहीं होती थी? अब आप सोचिए, हमारा 90s का जमाना, हमने 10 पढ़ के ही कैसे ऑडिट करी, और अभी भी करते ही जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा रटना नहीं है। एश्योरेंस हम उस टाइम भी देते थे, रिलायबिलिटी हम उस टाइम भी देते थे, लायबिलिटी अपन उस टाइम भी देते थे अपने कंधों पर, लेकिन एसेज नहीं थे। एसेज के आने से क्या हुआ, क्या हुआ एसेज के आने से? प्रोफेशन स्टैंडर्डाइज हुआ। जैसे आपको कोई बुखार वगैरह हो जाए तो आप मान लीजिए वैद्य जी के पास जाते हैं, वो कहते हैं हाथ बढ़ाओ ऐसे, वो क्या नाड़ी गिनते हैं क्या है ऐसा, मुंह खोलो आग ऐसे करके टार्च जलाते हैं, और फिर बैग सीधा आपको फैसला दे दे, आपको फैसला दे दे, ऐसे किया ऐसे किया। बोला भाई साहब मुबारक हो, आपको तो एड्स हो गया। आपके मुंह से क्या निकलेगा? जो आपके दिल से निकल रहा है वो आवाज मेरे कानों तक आ रही है, हालांकि आप कह नहीं सकते यहां पर। आप किसी बड़े डॉक्टर के पास आते हैं, वो भी आपको ऐसे ही देखता है, शायद वो कोई मशीन वगैरह लगा के पहले सांस लेने छोड़ने को कहता है कुछ, कहता देखिए मैं आपको अभी कुछ बोल नहीं पाऊंगा, आप एक काम कीजिए, ये अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिए, अपना ये एक्सरे करा लीजिए, अपना ये एमआरआई करा लीजिए, अपना ये वाला करा लीजिए, वो वाला टेस्ट करा लीजिए, और बोलता ये टेस्ट करा के आइए फिर देखते हैं। What are these tests? These tests are now prescribed standards in the discipline of medicine. वो डॉक्टर्स को कहते हैं कि पहले अपने पेशेंट की बॉडी एनाटॉमी को जान लेना, एक ही दवा तुम सबको प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते, पहले जानो कि उसके अंदर उसकी बॉडी में क्या है, उसकी बॉडी किस चीज को रिस्पॉन्ड करती है, किस चीज से एलर्जी है उसको, उसको क्या सूट करेगा क्या नहीं सूट करेगा, और आप एश्योर्ड होते हैं कि हाँ ये बड़ा वाला डॉक्टर है, ये सही काम कर रहा है। यही है प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन की रिलायबिलिटी, ट्रस्ट जनता का होना चाहिए।
किसी एक आदमी का नहीं। जो आप यहां करते हैं, जो आईसीआई ये ऐसे डालने की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डालने की, गाइडेंस नोट स्टेटमेंट डालने की कोशिश कर रहा है, ये क्या है? टू मेक स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्म प्रैक्टिस ऑफ द प्रोफेशन। To enhance its credibility in the eyes of stakeholders. Now we are having a new word, stakeholders. I have deliberately avoided the word shareholders. Janboosh ke avoid kiya. What are these people? Stakeholders. Obviously, stakeholder would first of all include shareholders. Shareholder is a term confined in a body corporate like company. In case of partnership, it can be partners. In case of LLP, it can be partners. In case of cooperative society, again it will become shareholder. In case of multinational cooperative society, again it will become shareholder. In case of trust, it will become investor. Now those people who have put in, who have pooled in their money in the enterprise, these people are called shareholders. तो सिर्फ शेयर होल्डर से इंटरेस्टेड, गाड़ी एक पहिए से नहीं चलेगी, गाड़ी का दूसरा पहिया भी है। मैनेजमेंट के दो पहिए, एग्जीक्यूटिव एंड वर्कर्स, ये भी तो इंटरेस्टेड होंगे जानने में कि हमारी कंपनी का प्रॉफिट कितना है, बोनस हमें उसी हिसाब से मिलेगा, पीएफ हमारा कटा कि नहीं कटा, इनकम टैक्स में पढ़ा होगा आपने, पीएफ काट के एम्प्लॉयर रख ले तो उसकी इनकम में जुड़ जाएगा। तो इनके सिवा कौन से लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं? गवर्नमेंट, बहुत छोटी सी चीज, 44 कैपिटल ए कैपिटल बी, आपकी आमदनी एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा है तो भाई साहब ऐसे रिटर्न नहीं लेंगे आपका, ऑडिट करा के लाइएगा, वो भी सीए से तो ले लेंगे। कंपनी लॉ में पढ़ा आपने, एवरी कंपनी विल हैव टू प्लेस एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स एट इट्स एजीएम एंड देयर आफ्टर इट विल सबमिट इट टू द आरओसी आल्सो। वो भी तो इंटरेस्टेड होते हैं जानने में। कोलैबोरेटर्स, आपके टेक्निकल कोलैबोरेटर्स, करंट पोटेंशियल, अभी जो लोग आपकी कंपनी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड है, जिन्होंने आपको पेटेंट टेक्नोलॉजी दे रखी है, जिन्होंने आपको प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट दे रखा है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आप पे नजर लगाए हुए हैं कि इस कंपनी में पैसा डाला जाए या ना डाला जाए। अभी देखो जेट एयरवेज के बिकने की संभावनाएं आ रही है, अब टाटा कंपनी जो उसके स्टडीज में लगी हुई है, उन्होंने पिछले 2-3 साल की बैलेंस शीट तो जरूर मंगाई होगी, पीएनएल तो जरूर, तभी तो देख पाएंगे कि क्या इनका ट्रेंड चल रहा है। तो पोटेंशियल और करंट दोनों ही इंटरेस्टेड होते हैं आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानने में, एंड ऑल ऑफ देम लुक फॉरवर्ड टू द ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इट मेक्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिगर। स्टेक होल्डर की कैटेगरी में हमने शामिल तो बहुतों को कर लिया, लेकिन आप देखिए सबका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा। द शेयर होल्डर वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ मच डिविडेंड दे हैव पेड।
the debenture holder would be interested in knowing whether their debt service coverage ratio is proper or not. Are they in a position to service my debt as and when their debt becomes due for payment? Management, borrower salary time पे मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी? और हाँ, सेल मिल बढ़िया हो रही है, कमीशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? वर्कर्स सिर्फ इसमें ही इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बल्कि ये रिटायरमेंट बेनिफिट में भी इंटरेस्टेड होंगे। गवर्नमेंट ज्यादातर लॉ में इंटरेस्टेड होगी और टैक्स पे इंटरेस्टेड होगी, किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं कर दिया। टैक्स सही टाइम पे और सही अमाउंट में पे किया कि नहीं? कोलैबोरेटर्स आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन में इंटरेस्टेड होंगे। सो एवरी पर्सन हैज हिज और हर ओन इंटरेस्ट इन ऑडिटेड स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, दैट इज व्हाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर इनॉर्मस नाउ ए डेज। सो हाउ इट इज डन? कोलैबोरेटर, एनीबडी कैन डिफाइन कोलैबोरेटर, व्हाट डज इट मीन? एक बार और बता दूं मीनिंग क्या है कोलैबोरेटर, कोई बताएगा? पर्सन, अरे छोड़ो यार, जिंदगी को आसान करना सीखो, इतनी टेक्निकल चीज में जाते, खड़ा हो जाओ। ये एक इंटरप्राइज है, ये एक इंटरप्राइज, इट इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ एंटरप्राइज, ये कंपनी है। तुम बताओ इसके इन्वेस्टर कौन है, शेयर होल्डर कौन है? अबे तू आदमी की भिखारी, भाई साहब अल्लाह के नाम पे 2 रुपए दे दो, फीस भर ली है। इनके शेयर होल्डर हैं पेरेंट्स, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ना, पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट किया। अब सवाल आया कोलैबोरेटर कौन है? आपकी पढ़ाई की परफॉर्मेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका बिहेवियर इन सोसाइटी इन जनरल, ये डिसाइड करता है कि आपकी फ्रेंड सर्किल कैसी होगी। और आदमी की फ्रेंड सर्किल एक जैसी नहीं है, आपकी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की फ्रेंड सर्किल होगी, घूमने वाले स्टूडेंट्स की फ्रेंड सर्किल होगी। ये है करंट कोलैबोरेटर, जो आपके साथ कभी पढ़ाई डिस्कस करते हैं, कभी घुमाई डिस्कस करते हैं, कभी मस्ती करते हैं आपके साथ, कभी आपका साथ भी छोड़ के निकल लेते हैं, ये आपके करंट कोलैबोरेटर। पोटेंशियल कौन है? वो पड़ोस वाली खिड़की जो कभी कभी खुलती है। भाई सीबीटी पास हो गया, भाई शब्द का इस्तेमाल यहां ठीक नहीं है, सीबीटी पास हो गया, अभी किस में? अच्छा फाउंडेशन पास हो गया, फिर क्या अभी इंटर में गया है। तो पोटेंशियल जो कोलैबोरेटर है नजर लगाए हुए है, लड़का तो अच्छा है, अब नजर लगाएंगे इसमें, फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, है कि नहीं? फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब जैसे ये कोलैबोरेटर, मैंने टाटा वाला एग्जांपल दिया, व्हेन दे विल फाइनली डिसाइड, अब बैठ जा, व्हेन दे विल फाइनली डिसाइड टू टेक ओवर जेट एयरवेज, देन दे विल अराइव एट ए कंक्लूजन बाय लुकिंग एट देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एज वेल एज देयर पोटेंशियल इन द मार्केट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यही जो पोटेंशियल आप कैलकुलेट करते हो उसी को गुडविल कहते हैं, शायद पार्टनरशिप में आपने किया होगा, यही पोटेंशियल है ना, यही भविष्य की संभावना है जो आपसे अकाउंटेंसी में गुडविल कैलकुलेट कराती है। ये आप ट्रैक करते रहते हैं लोगों को, शेयर मार्केट वाले शेयर एनालिस्ट जो होते हैं वो ट्रैक करते रहते हैं, अच्छा इस कंपनी में पैसा लगाओ, ये इसकी ना परफॉर्मेंस अच्छी होने वाली, इससे ना पैसा निकाल लो, ये ठीक नहीं हो सकती है। आज आपसे कोई कहे कि साहब विजय माल्या के वेंचर में पैसा लगा दीजिए, तो माल्या साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और कंपनियां भी चलाते हैं, उनकी एक कंपनी तो अभी भी बहुत प्रॉफिट में जा रही है, हाँ किंगफिशर जो वाइन के क्षेत्र में है,
वो तो बहुत प्रॉफिट कमा रही है, उनकी एयरलाइन डूब गई और उनके दूसरे वेंचर डूब गए, बात अलग है। बट आप अभी भी उनके वेंचर में पैसा लगाने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि यार पता नहीं कल को बंदा कब गिरफ्तार हो जाए। अभी तो आराम से रह रहा है कहीं, लेकिन पता नहीं कल को कब गिरफ्तार हो जाए, पोटेंशियल खराब है। आप शायद नहीं लगाएंगे, या शायद अभी भी लगा दे। अगर बहुत रिस्की इन्वेस्टर होगा तो शायद अभी भी लगा दे। आप कैपिटल बस्टिंग में पढ़ेंगे अभी FM में, इसमें रिस्क कैसे लिया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि इस पूरे प्रोफेशन की रिलायबिलिटी को गवर्न करने के लिए ICI लगातार कोशिश करता रहता है। आपने भी शायद कभी साइट पे देखा होगा, ये ऐसे बहुत पहले इशू हुआ था, रिवाइज हो गया, ये हुआ था, अब ये रिवाइज हो गया। रिवीजन क्या है? रिवीजन बाय ICI इन इट्स स्टेटमेंट, इन इट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इन इट्स गाइडेंस नोट इज नथिंग बट ए रिस्पॉन्स ऑफ ICI टुवर्ड्स एवर चेंजिंग नीड ऑफ द बिजनेस एंड द सोसाइटी। बिजनेस डायनेमिक एनवायरमेंट में चलता है। अब जैसे आजकल एक बिजनेस आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बंदा नहीं होगा, बंदे की मूरत होगी, वो बोलता हुआ नजर आएगा, काम करता हुआ नजर आएगा। अब अगर कल को इस तरह के एसेट को किसी ने एक्वायर किया तो आपको उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, हालांकि अभी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। ICI को कल इस पे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेके आना पड़ेगा। तो ICI का रिस्पॉन्स हमेशा क्विक होता है, लेकिन आफ्टर डिस्कशन होता है। तो हमारे पास एक सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, स्टडी मटेरियल आपको भी मिला होगा, आपने दोनों हाथों से उसे उठाया होगा, वो रस्सी में बांध के देते या बैग वगैरह में, तो वो उसी लिए होता है ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। उठाते रहिएगा, बिठाते रहिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। सबसे पहले ये जान लेना चाहिए हमारे पास है क्या। हालांकि ये तो आपके बहुत पहले नॉलेज में आ गया होगा कि हमारे पास है क्या, क्या सिलेबस है। आपने स्टडी मटेरियल में देख लिया होगा, आपको एक किताब दी है उसमें भी शायद देखा होगा। एनीवे, अभी आपको किताब का दर्शन कराएंगे, चिंता मत कीजिए। सिलेबस, बट आई एम नॉट गोइंग टू रीएक्टिवेट द सिलेबस। अब अपन एग्जाम की स्ट्रेटजी पे आ रहे हैं सीधा। 100 मार्क्स का पेपर है, आपको ये जानना चाहिए कि हमारे लिए क्या काम का है, हमारे लिए क्या उतने काम का नहीं है। एंड आई एम डूइंग इट फॉर CA इंटर, नॉट फॉर CA IPCC, क्योंकि IPCC का सिलेबस थोड़ा सा अलग है, मैं इंटर के लिए कर रहा हूं। बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग, माइंड इट, हियर वी आर यूजिंग द वर्ड ऑडिट इन वर्ब नॉट इन नाउन, इट्स अ प्रोसेस। जिंदगी में पहली दफा ऑडिट पढ़ रहे हैं आप, जो आप यहां पढ़ेंगे वही आप फाइनल में भी पढ़ेंगे। मैंने अभी ICI में CA फाइनल की क्लास शुरू की, ऑडिट की, और पहला स्टडी मटेरियल उनका भी वही है जो आपका है। जी फाइनल बताइए क्यों, क्योंकि बेसिक थोड़ी चेंज हो जाएंगे। इसलिए जो आप यहां पढ़ेंगे वही फाइनल में पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, उसकी दो वजहें हैं। एक तो ये जिंदगी भर आपके काम आएगा, क्योंकि यही हमारा प्रोफेशन है। दूसरी बात ये फाइनल में भी आपके काम आने वाला है। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि यहां से आपके एग्जाम में काफी कुछ कवर होता है, 25 से 30 नंबर यहां से कवर होते हैं आपके। तो एग्जाम के लिए भी है, लाइफ के लिए भी है। यहां आपको ICI क्या सिखाने की कोशिश करता है,
These are the names of the first four chapters of Basics of Auditing. Meaning and nature of audit, basic concepts of audit, planning and preparation of audit, internal control system. Here, they want to tell you what is the world of auditing. And here at the fourth chapter, internal control system, they will tell you how to go inside the affairs of the client. कैसे आप उसके शरीर के अंदर जाएंगे? शरीर के अंदर जाने का मतलब क्या है? कैसे आप उसके फाइनेंशियल कंट्रोल्स को स्टडी करेंगे? क्योंकि छोटी सी दुकान हो या मल्टीनेशनल कंपनी, फाइनेंशियल कंट्रोल तो हर जगह होना जरूरी है. इसकी शुरुआत आपके घर से हो जाती है. आपके घर में प्रायोरिटी डिसाइड होती है कि जो पैसा आता है महीने में उसका क्या, कैसे, कितना, कहाँ खर्च करना है, कितना बचाना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, वो घर से शुरू हो जाता है. और आप किसी बड़ी से बड़ी कंपनी के इतिहास पर नजर डालें, अगर वो फेल हुई है तो उसकी फेलियर की रिपोर्ट में हमेशा यही आता है, फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम कोलैप्स्ड. किसी कंपनी का इंजीनियर थोड़ी खराब हो जाता है अचानक, किसी कंपनी का मैनेजर थोड़ी खराब हो जाता है अचानक. अभी नरेश गोयल साहब जेट एयरवेज वाले थे, जो पहले थे वही अभी भी खराब. क्या हुआ? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कहीं खराब हुआ, कंपनी घाटे में जा रही है. कोई और आएगा, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को इंप्रूव करेगा और कल को कंपनी प्रॉफिट में भी आ सकती है. तो एज एन ऑडिटर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो एंड अप्लाई इन प्रैक्टिस ऑल द एसेज गिवन हियर. एंड लेट मी टेल यू बिफोर हैंड दैट ऑल दीज एसेज आर नाउ मैंडेटरी. 25 से 30 कभी कभी 35 तक चला जाता ही है. पेपर का स्ट्रक्चर भी आपकी किताब में दिया है, क्वेश्चन बैंक में दिया, अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं है. सेकंड, द कंपनी ऑडिट. कंपनी ऑडिट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. दिस इज द फर्स्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट विच आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. द सेकेंड वन इज बींग बैंक ऑडिट. द थर्ड वन इज कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट. तो तीन स्टैट्यूटरी ऑडिट आपके कोर्स में है. एक टैक्स वाली आप पढ़ के आ रहे हैं. Based on provisions of law, since it is a statutory audit, so legal provisions must be there. कहां से शुरू होती है कंपनी ऑडिट और कहां खत्म होती है जनाब, बताएंगे कुछ? कंपनी ऑडिट शुरू कहां से होती है? कौन सा सेक्शन है जो कंपनी ऑडिट को शुरू करवाता है? अभी आप पढ़ के आ रहे हैं, आप में से कुछ लोग तो इम्तहान भी देके आ रहे हो. कौन सा सेक्शन है जो कंपनी ऑडिट को शुरू करवा देता है? 139. Somebody is saying 39. Yes, please. 138 शुरू करवा देता है. Everybody is coming around to the view. 138 शुरू करवा देता है. बड़े चाय और मंगा यार. हाँ, क्या भाई? देखिए ऐसा है, ये क्लास पूरी इंटरैक्टिव होगी और जवाब आना चाहिए. ये अरे एक मिनट, सीए के स्टूडेंट्स के साथ एक शिकायत ये रहती है, मेहनती बहुत होते हैं, बोलते बहुत कम है. इसीलिए आईसीआई आपको जीएमसीएस की ट्रेनिंग कराता है. वहां वो आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाने की कोशिश करता है. किसी एक स्टूडेंट, यहां दिल में बहुत कुछ होता है, जुबान पे बहुत कम होता है. या कहां से शुरू होता है? 138. नो कंट्रेरी ओपिनियन ना. 138 राइट. मैंने अभी लेक्चर की शुरुआत में कहा था, आपको अकाउंटेंसी का नॉलेज भी होना चाहिए.
तभी आप अच्छे ऑडिटर हो सकते हैं. इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन ट्वेंटी टू. जहां आपने कंपनी एक्ट को छोड़ा था 122 प्लस 1 दैट इज 123 डिविडेंड. देन यू मूव टू अकाउंट्स 129 कंपनी अपना अकाउंट शेड्यूल 3 में डालेगी. फिर बोर्ड उसको अप्रूव करेगा. फिर आप बोर्ड रिपोर्ट पे जाते हैं. कई सेक्शन होते हुए तब आप आते हैं 138 पे और ये खत्म होती है 148 पे. कॉस्ट ऑडिट. नॉट ओनली दिस, द स्कीम ऑफ सेक्शंस इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड एंड सपोर्टेड बाई रेलिवेंट रूल्स. कंपनी ऑडिट के भी रूल्स हैं. ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, शायद आपने कहीं रेफरेंस सुना होगा कि ऑडिटर ऑडिटिंग कमेटी वगैरह के थ्रू अपॉइंट होता है, या नहीं सुना होगा तो हम यहां सुनेंगे. कॉस्ट ऑडिट के भी रूल्स हैं. Both are not only important for exam but your future practice also. आप ये IPCC intermediate करते हैं, articleship में जाते हैं, वहां भी आपको ये इस्तेमाल होता है. और ध्यान रखिएगा, you people are very fortunate or I don't know, you may consider yourself very unfortunate that your principals who are sitting in their AC chambers have read Company Act 1956. Most of them. 2013 का कंपनी लॉ पढ़ के तो पास अभी बहुत कम हुए हैं, ज्यादातर तो 56 वाले चचा लोग हैं. आप जाइए और उनको पढ़ाइए. सर वो वाला नहीं, अब ये वाला लगेगा. वो वाला नहीं, अब ये वाला रूल लगेगा. ये आपकी इज्जत को बढ़ाने में सहायक भी होगा. Then to guide the process of company audit, ICAI has come out with certain pronouncements. Related standards of auditing. So now standards of auditing would be applicable at two places. One in general audit, in basics of audit, and other is specifically to company audit. किताब सबके पास है क्या? आपको ले लेनी चाहिए. दे दे मेरे को. ये एक आपके लिए किताब बनाई है. मैं नहीं जानता आप इसका कितना इस्तेमाल करेंगे. इसमें देखिए, शुरुआत में कुछ पीले रंग के पन्ने, आप घबराइए, आपके पास नहीं है, फिर भी ये मैं यहां पे लेके आ रहा हूं. भारत में शुरुआत हल्दी के घाट से ही होती है, तो कुछ पीले पन्ने डाले आपके लिए. ये आपके चैप्टर्स हैं, मैं लाना आपको यहां पे चाहता हूं. मैं आपको यहां पे लाना एसएस की जो पूरी लिस्ट है वो यहां पे है, जो आपके कोर्स में है. आप चिंता मत कीजिए, यहां इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है. हम एक एक करेंगे, एक एक करेंगे. मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं. इन सारे एसएस का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे होता है.
हम जिस चैप्टर में जिस एसए की जरूरत जहां पे पड़ती है उसको वहीं पे पढ़ते हैं। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं पहले ऑडिट पढ़ लो फिर एसए पढ़ ले। अरे इसी के ऊपर तो पूरी ऑडिटिंग डिपेंडेंट है। जब तक आप इसको मिक्स नहीं करेंगे तब तक आप ऑडिटिंग समझ नहीं सकते। तो ये पूरी लिस्ट है ऐसे इसकी जो आपके कोर्स में है। ये लिस्ट शायद आपको दिखाई दे रही होगी 200 से 299, 300 से 499, 500 से 599। ये 100-100 के इंटरवल पे इन्होंने लिस्टिंग करनी शुरू की है और सेम टॉपिक से रिलेटेड एसेज को एक जगह पे रखने की कोशिश की है। तो मतलब टोटल एसे इंस्टीट्यूट कितने डालना चाहता है? 800। और अभी आपके लिए डाले कितने हैं? 30-32 हैं, 35 होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो ये आपको एक मैसेज है कि जब आप जल्दी से जल्दी पास कर जाइए, नहीं तो इंस्टीट्यूट तो अपना काम करता जाएगा। और आप फिर यही कह पाएंगे कि यार तुम अंधियारा बढ़ाते जाओगे हम सूर्य उगाते जाएंगे, तुम रात बढ़ाते जाओगे हम दीप जलाते जाएंगे। वाह वाह मत करिए, इंस्टीट्यूट आपको गोइंग कंसर्न बना के रख देगा। तो गोइंग कंसर्न मत बनिएगा, निकल लीजिए पतली गली से। उसके बाद आपके चैप्टर शुरू होते, विल डील विद इट वन बाय वन। यहां मेरे कहने का मतलब यही था कि आपको हर एसे की जानकारी गहरी होनी चाहिए, जो कंपनी लॉ से रिलेटेड है और जो जनरल ऑडिट से रिलेटेड है। बीस से पच्चीस आप यहां से भी पाते हैं। उसके बाद आपका टॉपिक होता है एक जो सिर्फ और सिर्फ, अच्छा मैं एक बात बता दूं, ये वाला यहां भी है फाइनल में भी है, कंपनी ऑडिट यहां भी है फाइनल में भी है। अरे फाइनल में जाके सेक्शन थोड़ी बदल जाएंगे, फाइनल में आके रूल थोड़ी बदल जाएंगे, फाइनल में आके एक्स्ट्रा क्या होता है कंपनी ऑडिट में कि आप रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, वो एक्स्ट्रा एडिशन होता है। बेसिक तो यही होते हैं, वहां पर वो सवाल इस तरह पूछते हैं कि आपके सामने ये फैक्ट है आप रिपोर्ट कैसे बनाएंगे। तो जो आप यहां पढ़ रहे हैं वो आपको आगे भी काम आने वाला है। फाइनल में वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, व्हाट इज दिस वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन? यू नो बेसिकली यू हैव टू स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यही दो होते हैं। इन्हीं को आपको ऑथेंटिकेट करना होता है। सो हाउ यू गो अबाउट दिस प्रोसेस? आपने कंपनी एक्ट थोड़ा तो पढ़ ही रखा है। कंपनी एक्ट कंटेन्स इट लाइक दिस दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इन शेड्यूल 3, दे विल साइन इट ओवर, दे विल ऑथेंटिकेट इट एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, देन दे विल सबमिट इट टू द ऑडिटर। सो द प्रोसेस इन थ्योरी एंड इन प्रैक्टिस इज वॉट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वेन एवर यू गो टू कंडक्ट एन ऑडिट यू विल बी गिवन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट साइंड ऑथेंटिकेटेड एंड दे विल क्लेम दैट सर बिलीव अस इट इज कंप्लीटली ट्रू एंड फेयर। यही कहेंगे कि बिल्कुल सच्चा था, कोरी एक करा रही है भून के उतारी है, ऐसा ही बोलेंगे। वो बोलेंगे सर कंप्यूटर से बनाया है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। अभी क्या कंप्यूटर से निकली हुई चीज ऐसा लगता है इसे गंगा में नहा के निकाली है, सारा पवित्र हो गया। कंप्यूटर की दुनिया में एक मुहावरा है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो उसमें इनपुट करोगे वही बाहर निकलेगा। अभी तुम्हारा इनपुट गलत है तो आउटपुट भी गलत होगा। तो वो बहुत क्लेम करते सर कंप्यूटर से बनाए, ये बनाए वो बनाया है, साइड कंप्यूटर से बनाया तो क्या सही होंगे, बनाया तो तुमने ही है ना, वो ये बोलेंगे सर बिल्कुल साइन। अच्छा देखिए वो उन्होंने पूरा साइन कर रखा है, क्लेम भी कर रहे हैं बिल्कुल सही है साहब, साइन करो पैसे लो घर जाओ। इट
यस टू बी वेरी लिक्रेटिव. हाँ यार सही तो बनाया होगा, साइन करो पैसे लो घर निकलो. लेकिन जैसा वो भाई ने कहा ना, यू अंडरटेक द लाइबिलिटी ऑल्सो. यू आर नॉट ओनली पुटिंग योर सीन, यू आर पुटिंग योर क्रेडिबिलिटी एट स्टेक. अपनी पूरी विश्वसनीयता आप दांव पे लगा के आते हैं, पूरी विश्वसनीयता. आज नहीं, 8 साल बाद तक भी आपकी लाइबिलिटी का एग्जामिनेशन हो सकता है. बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में पढ़ा होगा आपने, कितने साल तक बुक्स मेंटेन रखनी है. और केस शुरू 8 साल बाद हो सकता है, चल तो 80 साल तक सकता है, हिंदुस्तान है. हा? तो ये आपको देता है, तो आप सही कर दीजिए. क्या बुराई क्या, आप सही कर दीजिए. वो आपके सामने ऐसे शपथ लेने को तैयार है. तो आप गीता पे हाथ रख के बोलते हैं बिल्कुल सही बनाया, आप साइन कर दें, कर भी देना चाहिए. अच्छा आप फिर क्या पूछते हैं, किधर से बनाया, ये पूछते हैं. अच्छा लीगली आप देखिए फिक्शन क्या है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल प्रिपेयर इट एज पर शेड्यूल 3, विल साइन इट, ऑथेंटिकेटेड, दिस इज द वर्ड, ऑथेंटिकेटेड मतलब सत्यापित भी कर देते हैं कि हम पूरे होशोहवास में बोलते हैं, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, कि जो भी लिखा है उसमें सही लिखा है, यही बोलते हैं ना. आप क्या शुरुआत करते. अच्छा ठीक है बेटा, ये बताओ ये बनाया कहां से. बोलते सर ट्रायल बैलेंस से बनाया. अच्छा तुमने एक ट्रायल बैलेंस बनाया फिर उठा के फिगर को प्लेस करना शुरू कर दिया. हाँ सर बिल्कुल सर. यार ट्रायल बैलेंस कहां से बनाया, ट्रायल बोर्ड लेजर से बनाया. लेजर कहां से आ गया यार. सर ये जर्नल और कैशबुक से आया. दिखाना जरा, ये जर्नल लिखा है कैशबुक दिखा है. ये यार ये नरेशन में क्या लिखा है, ये 5 रुपया खर्चा किया, वाउचर नंबर दिस. सर ये वाउचर था ना, वाउचर से आया था ये. अच्छा तो वाउचर दिखा, तो भाई तूने इसको खर्चे में क्यों डाला, तूने इसको कैपिटल में क्यों डाला. सर वो हमारी हमारी ना अकाउंटिंग पॉलिसी सर. अकाउंटिंग पॉलिसी कहां से बनाई. सर ऑन द बेसिस ऑफ लॉ एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. मतलब आप ऑडिट शुरू यहां से करते हैं. दिस इज कॉल्ड इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. आप एक ट्रस्ट में जाएंगे तो पूछेंगे ना कि तुम्हारी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या, बोलेगा साहब कैश बेसिस है. कहीं आप जाते हो पूछते हैं मर्केंटाइल बेसिस है. फिर आप पूछते कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल होते, तुम बताओ तुम अपनी एंट्रीज को कैसे करोगे. फिर वो प्लेसमेंट स्टार्ट करता है ना, तो वो आपको हमेशा यहां लाने की कोशिश करता है. सर साइन कीजिए बिल्कुल सही है. आप हमेशा उसको वहां ले जाने की कोशिश करते हैं. बेटा पहले तुम्हारी पॉलिसी तो देख लो. इट इज कॉल्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ ऑडिट. कंपनी आके फिक्शन पे मत जाना. वो बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर रहा है कि एक बार साइन करके तुम ऑडिटर कर दो, कल को तुम ये ना कहने पाओ कि सर जो एंट्री आप गलत बता रहे हो वो तो हमने की ही नहीं है. इसीलिए वो साइन करवा लेता पहले कि कल को बोर्ड इनकार नहीं कर सकता कि साहब ये तो हमने किया ही नहीं है. लेकिन आप यहां पे पहुंचते हैं पीछे की तरफ है, पहुंचते हैं ना. यही गलती हम जीवन में अक्सर कर जाते हैं. ड्राइंग रूम देख करके हम भाग्य का फैसला अपनी खुद करवा लेते हैं. कभी भी ड्राइंग रूम देख करके किसी के घर का फैसला मत करना. मैंने किया था फंस गया. अरे तुम भी करोगे, करोगे तो तुम भी, जिंदगी की यही कहानी है. मैंने पीछे का किचन गार्डन नहीं देखा और फंस गया. लेकिन ऑडिट में मत करना. ऑडिट में तो पीछे के किचन गार्डन को जरूर देख लेना. तो शुरुआत यहां से होती है पूरी. अब कैसे होती है, दे आर प्रेजेंटिंग यू द बैलेंस शीट. एंड बैलेंस शीट यू नो अभी तो टी फॉर्म में नहीं बनती. बैलेंस शीट तो अभी वर्टिकल फॉर्म में बनाते, लेकिन टी फॉर्म से ही देखिए. वो कहते हैं दिस बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी ऑफ आइटम्स. डू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लिक्विडिटी ऑफ आइटम्स.
the ability of the items presented in the financial statement to be readily converted into cash. Liquidity इधर है, assets इधर है, liability इधर है, income इधर है, expenses इधर है, direct expenses, indirect expenses सारे इसमें. आप क्या करते हैं? आपके सामने तो ओवरऑल आ गया. आप एक एक आइटम को उठाते हैं. परचेज लिया, परचेज का सिस्टम देखा, सेल लिया, सेल का सिस्टम देखा कि तुम्हारे यहां कैसे आता है परचेज. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे परचेज करते हो, कहीं स्टॉक की चेकिंग करवाते हो, क्वालिटी की क्वांटिटी क्या नहीं करवाते हो, सीधा स्टॉक में लेकर के पेमेंट कर देते हो. कहने का मतलब क्या है कि जो उनका सिस्टम है और जो कानून है उससे इसकी कंप्लायंस हो रही है या नहीं हो रही है. तुम्हारे सामने एक परचेज का वाउचर आ गया, क्या तुम बस देख लोगे कि फाइनल अमाउंट कितनी है ना? आप तो देखेंगे क्वांटिटी कितनी ऑर्डर की थी, कितना पेमेंट हुआ, उस पर जीएसटी का रेट टैरिफ के अनुसार लगा कि नहीं लगा, फिर क्लेम हुआ आईटीसी या नहीं क्लेम हुआ, और जो ये सब कुछ हुआ ये कानून के दायरे में हुआ या कानून के विरुद्ध हुआ. एक एक आइटम आप लेते हैं और फिर उसका प्लेसमेंट चेक करते हैं. ये 16 श्रृंगार करने की प्रक्रिया है. एक एक आइटम, एक एक आइटम सही प्लेस होगा तो आपकी अपीयरेंस आएगी. आप कई बार वर्ड पढ़ते होंगे प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. इन अकाउंटेंसी प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको सिखाया जाता है वर्किंग नोट बना लेना, ऐसे कर लेना, वैसे डालना, तब आपको नंबर मिलेंगे. ये आपको सिर्फ नंबर के लिए नहीं बताया जा रहा, ये आपको बताया जा रहा भविष्य में आप कैसे प्रेजेंटेशन करने वाले हैं. तो आप एक एक आइटम देते हैं और यहां वो यही पूछता है कि आप परचेज की वाउचिंग कैसे करेंगे, आप सेल की वाउचिंग कैसे करेंगे. टू ए लेमैन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन अपीयर्स टू बी वन एंड द सेम थिंग. दे आर यूज इंटरचेंजेबली बाई लेमैन. बट फॉर ए पर्सन लाइक यू हु इज अंडर गोइंग अ वेरी रिगरस कोर्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, दीज वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन हैव देयर ओन सिग्निफिकेंस. वाउचिंग आप किसकी करते हैं? पी एन एल आइटम की वाउचिंग. आप समझते हैं एक कागज होगा जिस पर कुछ लिखा होगा, उससे आप कंपेयर करके इंफॉर्मेशन को बुक्स में डाल देते हैं, डाल देते हैं. जैसे परचेज का वाउचर आप जनरली वर्ड यूज करते हैं. वाउचिंग क्या है? इस कागज की सच्चाई को जानने की प्रक्रिया है. कभी वाउच की डिक्शनरी मीनिंग देखिएगा, वहां पे वो सत्यापन की प्रक्रिया की तरफ इशारा करता है. बट वेरिफिकेशन क्या है जरा ये बताना. वेरिफिकेशन, कंपनी के पास एक मशीन रखी हुई है, आप कहते हैं इसका वेरिफिकेशन करना है क्या? तो अगर वाउचिंग यही है तो मशीन भी खरीदी गई, जमीन भी खरीदी गई, आप उसका कागज देख के अमाउंट देख लो ना, हो गया. तो वेरिफिकेशन क्यों बोलते हैं? व्हाई दे आर यूजिंग द टर्म वेरिफिकेशन? एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या नहीं, ये तो बात बड़ी जरूरी है. एक मशीन जिस साल खरीदी जाती है, अब समझना इसको, एक मशीन जिस साल खरीदी जाती है उस साल मशीन भी आती है और कागज भी आता है. आएगा कागज मतलब वाउचर, बिल, व्हाट एवर यू कैन से, इनवॉइस. उस साल का जो ऑडिटर होता है वो तो कागज देखता है, कितने पैसे की आई, यहां से आई, कितना इंस्टॉलेशन खर्चा लगा, कितना कैपिटलाइज करना है, वो तो करके चला गया. आप गए दूसरे साल, दूसरे साल नेक्स्ट ईयर आप गए, अब आप इस कागज को देख के क्या हासिल करेंगे? ये तो ऑलरेडी अकाउंट फार हो चुका है. आप दोबारा इस कागज को देख के क्या करेंगे? जो तीसरे साल ऑडिटर गया वो फिर इस कागज को देख के क्या करेगा? जो चौथे साल ऑडिटर गया वो फिर इस कागज को देख के क्या करेगा? उसकी कॉस्ट तो रिकॉर्ड हो चुकी है, अब क्या करेंगे? कागज तो फिर भी मान लीजिए आप देख लेंगे, जो पहले साल के ऑडिटर ने किया उसने क्या किया? उसने इस मशीन की वाउचिंग भी की और वेरिफिकेशन भी किया. जो दूसरे साल का ऑडिटर जाएगा वो कागज शायद देखे या ना देखे, लेकिन वो जाके जरूर देखेगा मशीन है या नहीं है. दिस इज कॉल्ड व्हाट ना? वेरिफिकेशन प्लस वैल्यूएशन.
एक मशीन 1 करोड़ की खरीदी गई थी, 1 करोड़ की उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट डेबिट है। उधर बाढ़ आ गई, मशीन के नीचे पूरा पानी भर गया, उसका बेस जंग खा गया, कागज पे अभी भी 1 करोड़ की दिखाई जा रही है। क्या आप अप्रूव करेंगे? आप बिल्कुल अप्रूव नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ कागज देखेंगे, वाउचिंग करेंगे, तो शायद अप्रूव कर दें। जब आप वेरिफिकेशन करने जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे? यार, शेयर होल्डर्स के 1 करोड़ रुपए की जो वैल्यू थी वो तो अब 0 दिखाई दे रही है। मशीन इज नॉट कमर्शियली यूजेबल, दिस इज द टर्म विच दे यूज। आपने एक टर्म पढ़ा होगा, पुट टू यूज। अब उसी टर्म का उल्टा, दिस इज नॉट कमर्शियली यूजेबल, दिस इज नॉट वायबल नाउ। क्योंकि एसेट की डेफिनेशन क्या है? एसेट इज एन एक्सपेंडिचर टू डिराइव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। भविष्य में फायदा दे सकती है या नहीं दे सकती है? अगर दे सकती है तो ठीक, नहीं दे सकती है तो मैं इसका डाउनवर्ड वैल्यूएशन करूंगा। दैट इज वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। एंड वेन इट कम्स टू लाइबिलिटी, दे यूज द टर्म असेसमेंट। वाई? Why they do not use the term verification? Because liabilities are generally intangible. दिखती नहीं है liability, physically नहीं दिखती है, loan intangible ही होता है। वहां आपको क्या देखना होता है? कहीं किसी बैलेंस शीट पे liability लिखी है, संधि क्रेडिटर लिखा है, मान लो, आप क्या करेंगे? आप ये पूछेंगे, भैया कब बना था ये? बोला जी, इससे तो हमारे दादाजी ने उधार लिया था। दादाजी कहाँ हैं? तो निकल लिए। फिर और जी, वो उसने फिर मुझसे कभी पूछा नहीं, कब हुआ था ये? सर, वो 1967 में लिया था, चाइना पाकिस्तान वार अभी हुआ ही हुआ था, तो उन्होंने बोला कि यार तुमसे कुछ उधार ले लेते हैं, अब वो उधार देके वो फ्रंट पे चले गए, फ्रंट पे गया तो फिर वापस नहीं आए। तो फिर जी, वो तो फिर उसने कुछ कहा नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? नॉट एन एक्चुअल लाइबिलिटी। इट वॉज एन एक्चुअल लाइबिलिटी, बट नाउ यू आर नॉट लीगली लाइबल, बिकॉज देयर इज अ लॉ ऑफ लिमिटेशन। आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा, टाइम बार डेट। वो कर्जा है, लेकिन अब उसका असेसमेंट कैसे हो रहा है, मूल्यांकन कैसे हो रहा है? दिस इज नॉट अ नो लॉन्गर लाइबिलिटी ऑफ योर्स। तो असेसमेंट का मतलब क्या है? क्या ये लीगली एनफोर्सिएबल है या नहीं है? अगर लीगली एनफोर्सिएबल है तो हम उसको लाइबिलिटी में दिखाएंगे, लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है तो हम लाइबिलिटी में नहीं दिखाएंगे। कागज से मतलब नहीं है। कागज तो है, हाँ जी, हमने उधार लिया था, कागज तो है। अभी तो आजकल नेताजी लोग कर्जे काफी माफ करते हैं। तो अगर जिसका कर्जा माफी की घोषणा हो गई, क्या आप उसको बैलेंस शीट पे रहने देंगे? आप हटवाएंगे। दैट इज वाई दिस वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट। 8 मार्क्स के सवालों से आपका सामना होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। आप अपने स्टडी मॉड्यूल को देखेंगे तो बहुत बृहद है, लेकिन ये है बड़ा आसान, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन गाइडेंस नोट्स। गाइडेंस नोट्स के बारे में आपने शायद सुना होगा फर्स्ट ग्रुप की लॉ की क्लास में, क्योंकि वहां सेक्शन 143 पे भी गाइडेंस नोट है। नहीं सुना तो कोई बात नहीं। ये वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन आप किसी और नॉर्मल आदमी से पूछे या इवन टीचर से पूछे तो कहते हैं बेटा रट दो। मैंने आपको पहले ही डिनाई कर दिया कि रट के ऑडिट नहीं हो सकती, क्योंकि आपको इसे दूसरों से करवाना है। क्या करेंगे जब आप कुर्सी पे बैठे होंगे और आपका आर्टिकल आपके सामने आके खड़ा होगा कि सर ये वाली प्रॉब्लम आ गई, बताइए क्या करें? फिर आप अपना स्टडी मटेरियल ढूंढेंगे, यार वो रटा था या नहीं रटा था, वो उस टाइम कोर्स में था या नहीं था, ये रट के नहीं करने का।
खुद डेवलप करना है। और यहां पे गाइडेंस नोट आपको गाइड करती है, लोग गाइडेंस नोट में जाते नहीं है, इसलिए लगता है कि वाउचिंग वेरिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ रटने का काम है ना। इसका काम तो ऐसा है कि आप दो आइटम की वाउचिंग कर लें और आपको 10 आइटम की वाउचिंग अपने आप समझ में आ जानी चाहिए। वील डू इट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इसके बाद एक सेगमेंट आता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, दो रोल आपको और पढ़ने होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ये भी छोटा है, 6 से 8। और ये बिल्कुल न्यू इंट्रोडक्शन है आपके सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस में। स्पेशल ऑडिट ऑफ स्पेशल एंटिटीज, जब तक ये वर्ड सिर्फ स्पेशल ऑडिट रहता है तब तक लगता है कि इसकी ऑडिट में खाने पीने को कुछ स्पेशल ही मिलेगा, बल्कि ये कुछ ऐसा नहीं है। या आपको पढ़ना है How you will conduct audit of partnership and limited liability partnership? How you will conduct audit of trust? How you will conduct audit of cinema hall, club? हॉस्पिटल, होटल्स, स्कूल्स, इनमें से एक ऑडिट आपके पेपर में हमेशा होती है। या आपको स्टेप्स ही लिखने होते कि मैं स्कूल में जाऊंगा तो ऐसे ऐसे ऑडिट की शुरुआत करूंगा, ऐसे ऐसे खत्म करूंगा, मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा तो ऐसे ऐसे शुरुआत करूंगा और ऐसे ऐसे खत्म करूंगा। ये सिर्फ स्टेप्स है। या आपको कानून नहीं पढ़ना है, कानून आपको यहां पढ़ना है, आरबीआई के कुछ कानूनों के बारे में, बैंक के कुछ कानूनों के बारे में। हालांकि सेकंड ग्रुप में आप थोड़ा बहुत बैंक की बैलेंस शीट्स के बारे में भी जानकारी लेंगे एडवांस अकाउंटेंसी में। इसके बाद एक ऑडिट है, लास्ट ऑडिट, ऑडिट इन कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट। आकाश इधर आ जाएगा। ऑडिट इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट। हालांकि इसकी कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन इससे एक सवाल 6 से 8 नंबर का हमेशा आता है, चाहे किसी से आए चाहे ना आए, इससे जरूर आता है। ये दरवाजा बंद कर दे। ऑडिट इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट। कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? यहां बैलेंस शीट कंप्यूटर से निकलती है, बिल्कुल सही बात।
यहां सिर्फ बैलेंस शीट कंप्यूटर से नहीं निकलती है, यहां अकाउंटिंग भी कंप्यूटर पे होती है। नाउ देयर आर मेनी वेज बाय विच अकाउंटिंग ऑन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट कैन बी अंडरटेकन। एक तो कंप्लीट ऑनलाइन सिस्टम है, वहां ऑर्डर भी ऑनलाइन आता है, प्रोसेसिंग भी ऑनलाइन होती है, ट्रांजैक्शन का फाइनल शेप आपको कंप्यूटर पे दिखता है। एक इसका मिक्स स्वरूप है कि वाउचर कागज में आते हैं, आप अपने इनवॉइसेस कागज में इशू करते हैं, उसके बाद से उसकी कंप्यूटर में एंट्री करते हैं। एक इसका बड़ा बेसिक स्वरूप है कि आप सारे वाउचर पहले इकट्ठा कर लेते हैं, फिर किसी को बुला लेते हैं, बोलते भाई साहब हफ्ते में एक दिन शाम को आ जाना, हमारे पूरे हफ्ते भर की एंट्री कर जाना। एक इसका बहुत बृहद स्वरूप है कि एक कंपनी यहां पे काम कर रही है, उसने किसी बीपीओ को हायर कर रखा है किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे प्रदेश में, किसी दूसरे जिले में, उनका काम वहां हो रहा है और अकाउंटेंसी कहीं दूसरी जगह हो रही है। तो वट एवर बी द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अल्टीमेटली यू नीड टू साइन अप द बैलेंस शीट, बट बिफोर साइनिंग द बैलेंस शीट यू विल गो फॉर बैकवर्ड इंटीग्रेशन, वहां तो जाना ही पड़ेगा। तो यहां यही सिखाया जाता है कि जो काम आप कागज वाले एटमॉस्फेयर में करते हैं, वही काम अगर आपको कंप्यूटराइज एटमॉस्फेयर में करना पड़ जाए तो आप ऑडिट कैसे करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहां भी वही है, बदलेगा क्या प्रोसेस। इस पे मस्ट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि क्या हुआ, वो एक ऑडिटर साहब को ऑडिट अलर्ट हुए, गए अपनी टीम वीम लेकर के, तो वहां पूछा आ भैया क्या है, तो दिखाओ अपनी किताबें दावे दिखाओ, तो ले जाओ उनको, बोला साहब यही है, तो देखे वहां रखा हुआ है, तो बोले भाई तो अब खाना हैदराबादी का हम क्या करेंगे, बोले साहब इसी के अंदर सब कुछ है। जागने लगे, भाई इसमें तो कुछ ना दिखाई दे, और मैनेजमेंट भी देख रहा है कि भाई ये कर क्या रहा है। तो बड़ी देर बात पूछा कि भाई ये है क्या, बोला सर कंप्यूटर है। अच्छा कंप्यूटर है, बोला साहब स्टार्ट कर रहे हैं इसको, आप देख क्या यार दूर हटो तुम, दूर सर दूर क्यों हट रहे हैं, यहां आइए यार, सुना इसमें वायरस होता है, पकड़ेगा तो नहीं, आन ऑन कर दिया। हाँ यार कुछ दिख तो रहा है, रंगीन दिख रहा है यार, बोले सर अब हम चलते हैं, आप करिए। वार्ड को दरवाजा बंद किया, अब सीए साहब यहां खड़े, उनके आर्टिकल यहां खड़े, अब आर्टिकल पूछ रहे क्या करें। बड़ी देर बाद सीए साहब ने कहा यार ऐसा है, हम तो अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं, ऐसा करो एक अगरबत्ती का पैकेट खरीद के ला, अगरबत्ती का पैकेट आया, चार अगरबत्तियां जलाई और उसको ऐसे पकड़ा, कहा मेरे पीछे पीछे आओ, उसके साथ फेरे लिए, साथ थे, उसके बाद से कहा अगरबत्ती यहां गाड़ दो। मैनेजमेंट आले आए, थोड़ी देर बाद देखा धुआं उठ रहा है, अगरबत्तियां गड़ी हुई, उनका साहब क्या हुआ, बोले हो गई ऑडिट। कैसे भैया, हमने ऑडिट की अराउंड द कंप्यूटर, आप पढ़ेंगे इस अप्रोच को इस चैप्टर में, ऑडिट अराउंड द कंप्यूटर, ऑडिटर को कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं मालूम, वो घूम करके सिर झुका करके बाहर निकल लेता है, वो कहता है ऑडिट हो गई हमारी, हमसे ना हो पाएगा। अब बताइए बेइज्जती का क्या फायदा, जब बहुत से लोगों ने जा करके यही प्रक्रिया शुरू की, साथ फेरे लगाने वाली। तब इंस्टीट्यूट ने कहा ऐसा है,
जिस बात का ज्ञान हमारे सीए के स्टूडेंट्स को होना चाहिए, उस ज्ञान को देने का सबसे अच्छा तरीका है उनके सिलेबस में ठोक दो। क्योंकि सीए के विद्यार्थी की जो मानसिक क्षमता होती है वो अपार होती है, सहन शक्ति उसकी अपार होती है। उनका जो बेचारा 300 रुपए में, मुश्किल से 2500-3000 में 3 साल खटने को तैयार होता है, ऐसा प्राणी कहां मिलेगा। तो उसकी सहन शक्ति अपार है, उसके सिलेबस में डाल दो। ये आपके फाइनल में भी है और इंटरमीडिएट में भी है। और आज की ट्रेनिंग भी कराते हैं वो, आप वो ITT वाली ट्रेनिंग है ना, वो कराते हैं। मतलब एकदम आपको कंप्यूटर का मास्टर बना के निकालने की उनकी तैयारी है, हालांकि बनते आप नहीं है। ये भी सही है, बनते आप नहीं है। तो उनको लाख समझाया जा रहा है कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो, हम लोगों ने समझाने की कोशिश की उनको, अच्छा आप हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लीजिए 50 नंबर का एक और सब्जेक्ट IT, वो ECS क्या बोलते हैं उसको, IAS, हाँ IT लीजिए 50 नंबर का और लीजिए। फिर हमने समझाना बंद कर दिया, हमने कहा कहीं हमसे दोबारा ना कह रहे भाई साहब अभी आप फिर से एग्जाम में अपियर हो गए, एक पेपर और क्लियर करो, उम्र खराब हो जाएगी भाई। तो फिर समझाना बंद कर दिया। उन्होंने कहा इसको फाइनल में भी करना है, इंटरमीडिएट में भी करना है, और इससे सवाल भी आने। अब आपको पता चल गया इससे सवाल भी आने, तो आप इसको पढ़ेंगे जरूर, समझे ना समझे पढ़ेंगे जरूर, कि यार एक सवाल आना तो उसको पढ़ लो, और पढ़ेंगे तो कुछ तो समझ में आएगा। ये कुछ नहीं है, कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जिससे डरने की आवश्यकता नहीं है। ये आप सोच के रखिएगा, कंप्यूटर खुद कुछ नहीं कर सकता, उसमें जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डाला जाता है वो भी आप ही बना के डालते हैं, और वो वही काम कर सकता है जिसका सॉफ्टवेयर उसके अंदर है। जिसका सॉफ्टवेयर उसके अंदर नहीं, आप नहीं करवा सकते उसे। कहने का मतलब क्या है, जब सॉफ्टवेयर भी आप ही डालते हैं तो उसके हार्डवेयर की मास्टरी करने में क्या जाता है, हार्डवेयर तो एकदम आसान है। तो ये न्यू जनरेशन ऑडिट है 6 से 8 नंबर की। और हां, एक आपके पास मिक्स क्वेश्चन आता है ट्रू एंड फॉल्स का 20 मार्क्स, ये 2-2 नंबर के सवाल होते ट्रू एंड फॉल्स के। ये चैप्टर 1 से भी हो सकते हैं, मतलब ये मिक्स है, 10 सवाल हैं 20 नंबर के, तो इस चैप्टर से उस चैप्टर से इस चैप्टर से उस चैप्टर से लेकर के है। ए व्हाट इज दिस, भरत किधर है, भरत है यहां पे, बताइए। मैंने क्वेश्चन बैंक मांगा अपना वो ऑडिट वाला, और भाइयों ने लॉक उठा के दे दिया, लॉक ही तो मैंने इस बार क्लास ही ना करी। ये पिछली बार का क्वेश्चन बैंक है जो मैंने अभी अगस्त में बैच पढ़ा के खत्म किया था। एनीवे, एक ऑडिट का भी इस तरह से क्वेश्चन बैंक है। आकाश इधर आ जाओ, मैं मंगा देता हूँ आपके लिए। नीचे चले जाना, कोई भी हो उनको बोलना ऑडिट का क्वेश्चन बैंक दे, ये लेके जाओ, हाँ लेके जाओ, उनको बोलना ऑडिट का दे। यस 20 मार्क्स इस क्वेश्चन बैंक में, मैं बता दूं मैंने ड्राफ्ट किया है, इसमें MCQ भी है। मैंने पहले ही जज कर लिया था कि MCQ से पीछा CA के बच्चों का छूटने वाला नहीं है, आपके अगले इम्तिहान में MCQ से शुरुआत होने वाली है। उसमें MCQ भी है, ट्रू एंड फॉल्स भी है, केस स्टडीज भी है, डिटेल्ड क्वेश्चंस भी हैं, पूरा गैमेट है, एकदम मिक्स कर रखा है। और इसके साथ 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 आपकी किताब के पिछले हिस्से में पिछले वर्षों के पेपर दिए हैं। हालांकि आपके लिए काम का तो बिल्कुल है ये, इसमें कोई डाउट नहीं कि काम का नहीं है। इसमें अब एक और एडिशन हो सकता है, किसका, मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन का, ठीक है। तो 30% शॉर्ट क्वेश्चन, 70% लॉन्ग क्वेश्चन, अब ये कॉम्बिनेशन है आपके लिए। हर
हमें क्वेश्चंस क्लास में करने हैं, डिस्कस करने हैं। ये मत समझिएगा कि मैं बिना क्वेश्चन कराए छोड़ दूंगा, ध्यान रखिएगा। इस क्लास की अपनी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि स्टूडेंट क्लास से जाए। मैं अपने नाम के लिए पढ़ाता हूं, और ये भी याद रखिएगा मैं अपने लिए क्लास करता हूं, अपने मजे के लिए। ऊपर वाले ने इस हालत में पहुंचा दिया है कि सरकार की सेवा भी कर रहा हूं, क्लाइंट की सेवा भी कर रहा हूं, आज पढ़ाने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन मैं इस पूरे प्रोसेस से प्यार करता हूं। जब आप लोगों के बीच में होता हूं, एक दो हमारे लॉ वाले स्टूडेंट बैठे हुए गवाह हैं, सबसे ज़्यादा खुश मैं यही रहता हूँ। स्टेज से नीचे उतरते ही आप एक डेफिनेट चेंज पाते हैं मेरे अंदर, क्योंकि यहाँ आकर के जो आप लोगों की एनर्जी मिलती है ना, उसमें मैं भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ, और यही मेरी जवानी का राज है। हाँ या हियर इट इज, या दिस इज अ कलेक्शन ऑफ मोर देन 500 क्वेश्चन ऑफ ईच एंड एवरी टाइम। तो ये मई 19 के लिए मैंने जानबूझ के इसमें लिखा, क्योंकि मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें डाल चुका हूं, राइट। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू कैन कलेक्ट इट, और माफ कीजिएगा आपको बैग में ये लेके भी आना पड़ेगा। Meaning and nature of audit, we are now going to discuss definition of audit. अच्छा, discussion का तो पता नहीं कितना time मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। Definition of audit, there is essay 200. अब देखिए, अब हम सीधा एग्जाम मोड में आएंगे। जब भी आप एग्जाम कॉपी में कोई एसे लिखेंगे तो लिखने की प्रैक्टिस पाल लीजिए, डाल लीजिए। एसे का नंबर लिखेंगे और उसका पूरा नाम लिखना पड़ता है, पूरा नाम। अब इस एसे 200 का नाम क्या है, मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि ये पूरे जो 30, 32, 35 हिस्से हैं, इनका नंबर भी याद करना पड़ेगा, इनका नाम भी याद करना पड़ेगा। तो मैं फिर उसी चाय बनाने की प्रक्रिया पे आऊँगा कि जैसे आपने चाय बनाना रटा नहीं, बनाते बनाते आप सीख गए, वैसे इसको भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे भी ऐसे 200 का नाम याद नहीं है, मैं भी क्या करूँगा। अब नाम याद नहीं है तो मेरे पास रास्ता क्या है, मैं ऐसे करूँगा। और यहां एक लिस्ट है, मैं उसको देखूंगा, देख करके एक बार पढ़ूंगा, फिर रख दूंगा, फिर उसको लिख लूंगा, फिर जब ऐसे 200 का नाम आएगा मुझे फिर भूल जाएगा, मैं फिर यही करूंगा, मैं फिर यही करूंगा। तो अब आप सोच रहे होंगे फिर भूल जाएगा तो फिर यही करेंगे। अब याद हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है, बार बार देखो ना, है? मेरे कहने का मतलब क्या है कि देयर इज ए वर्ड विच इज कॉल्ड स्ट्राइक ऑन योर माइंड। ये जितनी बार स्ट्राइक आप करेंगे उतना ही आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जिंदगी भर का खिलवाड़ है। आप मुझे बोलेंगे, मैं यहां पे लिखूंगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एसे 200। हाँ, एक बार आप बोलिए, आपको अपने आप याद आ जाएगा।
ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, वर्ड पे ध्यान देना, वर्ड पे, इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ इन अकॉर्डेंस विद है कंडक्ट ऑफ ऑडिट कंडक्ट ही लिखा है एक मिनट अब आप इसके वर्ड्स को ध्यान से पढ़िए एसएच की टाइटल में बहुत कुछ छिपा होता है एक मैं आपको ऐसे डेवलप करना सिखाता हूं आप भी कल को इंस्टीट्यूट के मेंबर होंगे हो सकता है आप बोर्ड ऑफ स्टडीज की कमेटीज में भी हों कभी कभी हम लोग को भी सेवा करने का मौका मिलता है दे विल कॉल फॉर योर व्यूज तो आप अपने व्यूज देने की पोजीशन में कब होंगे जब करंट पोजीशन पे मास्टरी हो व्हाट दिस एसे इज ट्राइंग टू टेल अस नो नो नाउ लिसन प्लीज दे आर नॉट टेलिंग अस ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट दे आर टेलिंग अस ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इट मीन्स देयर हैज टू बी मोर देन वन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट फर्स्ट थिंग Because they have used it in plural sense. And mind it, overall audit. इसका मतलब इस objective को बड़े level पे ले जा रहे हैं कैसे बड़े level पे ले जा रहे हैं जैसा अभी आपको बताया आप purchase उठाएंगे sale उठाएंगे salary उठाएंगे ऑफिस एक्सपेंसेस उठाएंगे स्टेशनरी प्रिंटिंग उठाएंगे रिपेयर मेंटेनेंस उठाएंगे डेप्रिसिएशन उठाएंगे देन यू विल गो ऑन वेरीफाइंग द असेट एंड असेसिंग द लायबिलिटी देन यू विल कम एट एन ओवरऑल ओपिनियन थोड़ी बहुत कमियां हैं लेकिन ओवरऑल क्या है सही है ओवरऑल ओपिनियन देना पड़ता है आपको कि सब मिला करके सही है नहीं यू आर नॉट कॉल्ड फॉर गिविंग यून ओपिनियन ऑन अ स्पेसिफिक मैटर ऑफ अकाउंटिंग सिंस यू हैव बीन सबमिटेड विद द बैलेंस शीट एंड पीएनएल अकाउंट फॉर अ होल ईयर फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन आपने भी कंपनी लॉ में पढ़ा होगा अगर एक होल्डिंग कंपनी तो उसके साथ सब्सिडियरी के स्टेटमेंट भी लगेंगे दैट इज व्हाई यू नीड टू गिव एन ओवरऑल ओपिनियन पहले से ही ध्यान में आ रहा है अच्छा ऑडिटर नहीं बोला इंडिपेंडेंट ऑडिटर बोला है अभी इंडिपेंडेंट ऑडिटर का क्या मतलब जो आप भी तिरंगा झंडा लेके जाते हैं भारत माता की जय बोलता हुआ है इंडिपेंडेंट ऑडिटर मीन्स द पर्सन हु इज नॉट फाइनेंशियली और इन एनी अदर मैटर डिपेंडेंट अपॉन यू इज नॉट एन इंपैक्ट He is not a relative. He is not even a distant relative. He has not ever served on your board. He has not ever served on your, in your management. He is not independent. He is not dependent in manner given in section 144. Do you remember it? 144. Services which can also be given by the auditor or services which cannot be given by the auditor. So you must be completely independent. We will discuss this and itne pe nahi choda. बोला ये एसए 200 जो है ये आपको ऑब्जेक्टिव बताएगा किसके इंडिपेंडेंट ऑडिटर के कहने का मतलब ये इंटरनल ऑडिटर पे लागू नहीं होगा ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एक्सटर्नल ऑडिटर पे लागू होगा इंटरनल के लिए ऐसे दूसरा आएगा इसके साथ साथ क्या बताएगा कैसे करोगे ऑडिट करोगे कैसे मतलब कहने का आपको अब स्टैंडर्ड फॉलो करने की तरफ ले जा रहा है क्या आप कैसे करेंगे ऑडिट ये हम बताएंगे इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट
सो इस एसे के नाम में ही जग जाहिर है कि ये आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करता है। और पहला पार्ट जो इसका ये है वो ये बताता है बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट, इसी में डेफिनेशन भी आएगी। ऑडिटिंग के आधारभूत सिद्धांत अगर इसको हिंदी में समझे तो इसका मतलब इन एवरी ऑडिट बिग आर स्मॉल शॉप आर कंपनी पार्टनरशिप आर कोऑपरेटिव सोसाइटी दीज बेसिक प्रिंसिपल विल ऑलवेज बी देयर इन एनी काइंड ऑफ ऑडिट इन एनी काइंड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम बी इट मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम बी इट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम दिस प्रिंसिपल विल ऑलवेज बी देयर। तो ये सब में होगा क्योंकि ये बेसिक प्रिंसिपल है और बेसिक प्रिंसिपल है तो वो आपको कहता क्या है। देखो भैया तुम चाहे अपने मोहल्ले की दुकान की ऑडिट करने जा रहे हो या मल्टीनेशनल कंपनी की ऑडिट करने जा रहे हो कुछ सिद्धांतों से आप समझौता नहीं करेंगे। पहले तो हम आपको बता दें कि आपको कैसा होना चाहिए। पहले तो आपको ये बता दें आप जाएंगे तो सूट पहन के जाएंगे टाई लगा के जाएंगे जूते पहन के जाएंगे परफ्यूम भी लगा लेंगे कार से जाएंगे यही बताएगा आपको क्वालिटी ऑफ एन ऑडिटर तभी आपकी इज्जत होगी। इसने ये नहीं बताया कोई फट्टेबाजी नहीं है यहां पे। इसने ये नहीं बताया इसने कहा देखिए साहब अगर आप ऑडिटर हैं तो आपको कैसा होना चाहिए इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटेग्रिटी यू नीड टू मेंटेन फोकस्ड अप्रोच यू नीड टू मेंटेन। हमको इस अब एक एक को डिस्कस करना पड़ेगा लंबे चौड़े में। थर्ड थिंग इज यू मस्ट मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन विच यू हैव ऑब्टेन्ड थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग बिकॉज एज एन ऑडिटर यू विल गो एंड इंटरेक्ट विद द मैनेजमेंट You will call for many information they are bound to give you because you have statutory authority over the information which you have called for. If they don't give provide you the information, then you can qualify or give an adverse report that since I was not provided with the relevant information, therefore I am not in a position to assert my authenticity of the report. And then they will be held liable. तो आपको सूचनाएं तो देंगे तो आप उनको जाके बता देंगे भाई आज पकड़ा इसकी टैक्स की चोरी है आज पकड़ लिया है मजा आ गया करो अब इसको ना मरोड़ता अब इसकी गर्दन मेरे हाथ में तो देखियो बढ़िया दिवाली गिफ्ट घर पे देके जाएगा। अच्छा क्या हुआ भाई 10 करोड़ से नीचे नहीं है यार तेरी तो मजे आ गए। और ये बात आप कहां कर रहे हैं रेस्टोरेंट गोल टेबल इधर आप इधर वो बीच में ग्लास बातें चल रही और आप चले आए गुरु आज की नाइट तो मजा आ गया। अगले दिन सुबह सुबह क्लाइंट का फोन आया सर क्या हो गए सर इनकम टैक्स वालों का ना छापा पड़ गया सर मैं क्या करूं भाई अब जो करना है वही करेंगे तू क्या करेगा अब तो उन्हीं पे छोड़ दे भगवान भरोसे। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये पहुंचे कैसे ये अच्छा बताइए आपके घर में छोटा बच्चा कभी होता है होता ही है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा होता है क्योंकि हिंदुस्तान की जो बढ़ोतरी है कई चीजों में उनमें कई बातों में विदेशी हाथ है यही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई विदेशी हाथ नहीं है
इस पे हम कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशियंट है। विदेशी हाथ की तो छोड़िए, पड़ोसी का भी हाथ है तो तलवारें खिंच जाती है, विदेशी हाथ ले लीजिए। तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा, एक्चुअली हुआ ये था कि जब छोटा बच्चा हुआ था तो आपके घर पे पहुंच गए थे वो ढोलक लेकर के ताली बजाते हुए। आपको ये नहीं समझ में आया कि उनके पास कैसे इंफॉर्मेशन पहुंची। जब आपके घर की अंदरूनी इंफॉर्मेशन किसी और के पास पहुंच सकती है, अब चाहे उसका कैसा भी नेटवर्क हो, कोई ना कोई नेटवर्क तो है, कहीं ना कहीं से तो पता चलता है। हुआ यही था, जब आप रेस्टोरेंट में बात कर रहे थे तो आपके साथ वाली टेबल पे भी दो लोग बैठे हुए थे। आपकी किस्मत खराब थी कि उनमें से एक DRI से था, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस से। उसने सुना और जैसे आप वहां से निकले वो लग गया फोन पे, बॉस एक इंफॉर्मेशन आई। किसकी? एक कंपनी है, अभी आ जाओ ऑफिस। पहुंचे, फाइलें निकली, ये निकला वो निकला, बाहर टीम तैयार हुई अगले दिन वहां। आपको समझ ही में नहीं आया करते हो। Therefore, you need to maintain strict confidentiality of the information which you have obtained throughout the process of audit, because in consultant-client relationship, this relationship of utmost trust. आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको थॉरली चेक करता है। क्या आप कभी ये सपने में भी सोच सकते हैं कि डॉक्टर आपके शरीर के बारे में, आपकी अंदरूनी बीमारी के बारे में दुनिया को बताएगा? नहीं सोच सकते। तब तक जब तक कि आप एक पब्लिक फिगर नहीं है और आपकी हेल्थ की जानकारी पब्लिक को होना आवश्यक नहीं है, तब तक तो नहीं बताएगा। तब तक तो आप उसे ये उम्मीद करते हैं कि आपके शरीर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है वो छिपा के अपने तक ही रखेगा, और आप उसको इंफॉर्मेशन देने में जरा भी हिचकते नहीं है, क्योंकि पक्की बात है जब तक आप उसको इंफॉर्म नहीं करेंगे वो सही दवाइयां नहीं देगा। यही हाल कंसल्टेंट क्लाइंट रिलेशनशिप का होता है, और ये आपको मेंटेन रखना चाहिए। चौथी चीज जो आपकी क्वालिटी होनी चाहिए वो है स्किल एंड कॉम्पिटेंस। बोथ द वर्ड्स मे बी अपीयरिंग वन एंड द सेम टू यू, स्किल एंड कॉम्पिटेंस। क्या जो स्किल है वही तो कॉम्पिटेंस है, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू व्हेन इट कम्स टू ऑडिट। स्किल कुछ अलग चीज है, कॉम्पिटेंस कुछ अलग चीज है। हमें इन चारों को डिस्कस करना होगा। लेकिन देखिए, यहां तक उसने आपको कंडक्ट नहीं बताया। कंडक्ट वो बताता है दूसरे हिस्से में। कंडक्ट ऑफ ऑडिट कैसे करेंगे आप? वो कहता है देखो बेटा, जाते जाते जैसे ही तुम पहुंचे कंपनी के पास, अपने को धर्मेंद्र और कंपनी को बसंती समझ लेना। उससे पूछना तुम्हारा नाम क्या है बसंती, पूछ लेना उससे। हैं? अबे ये धर्मेंद्र ने बोला था, अच्छा वो अमिताभ बच्चन ने पीछे से बोला था ना। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, दो चीजें तो पहले ही पूछ लेना। अब देखिए, यहीं से ऑडिट का डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है। आप एक स्कूल में जाते हैं, एक ट्रस्ट पे जाते हैं, छोटा सा स्कूल है, छोटा सा ट्रस्ट है, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, एक कैश बुक रखी है, एक वाउचर फाइल रखी है, एक लेजर पतला सा रखा हुआ है। अब आपको यहीं से पता चल जाता है इसकी ऑडिट तो एक हफ्ते में निपटा देंगे। कैश सिस्टम पे है, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं होगा, थोड़ा बहुत डोनेशन होगा, थोड़ा बहुत खर्चा होगा, तो हम एक हफ्ते में निपटा देंगे। यहां से आप क्या डिसाइड करते हैं कितना टाइम इस पे लगाना है, किस स्किल सेट के आर्टिकल्स को एम्प्लॉय करना है इधर। बेसिकली इट इज कॉल्ड रिस्क असेसमेंट ऑफ ऑडिट। कितना रिस्क इन्वॉल्व है मेरा यहां पे, इस पर सेपरेट से है।
आप ये देखिएगा एसे 200 इज कॉल्ड जेनेसिस ऑफ ऑल अदर एसेज, मतलब हम हिंदी में कहें तो ये जो एसे 200 है सारे एसेज की मां है, बाप का पता नहीं है। फिर जब भी आप ये समझ लेंगे कि हाँ मुझे इधर करना क्या है, फिर ये ऐसे कहता है कि एक काम करो, ऑडिट प्लान बनाओ, इस पर एक सेपरेट ऐसे ऑडिट प्लानिंग पे। आईसीएस के इवेल्युएशन पे 3 ऐसेज हैं, ऑडिट प्लान बन गया, अभी तो ये काम अपने ऑफिस में बैठ के हुआ है, अब ऐसा करो चलते वहां। कहा? क्लाइंट के यहां। जब आप क्लाइंट के यहां जाएंगे तो क्या करना शुरू करेंगे? ऑडिट करना शुरू करेंगे। और इस ऑडिट की प्रक्रिया में आप एविडेंस लेना शुरू करेंगे, यही एविडेंस होता है वाउचिंग और वेरिफिकेशन का। किस बात का एविडेंस लेंगे कि हाँ जो वहां पे लिखा गया है वो सही है कि गलत है, अकाउंटिंग सही है, लॉ सही है कि नहीं। लेकिन ये जो ऑडिट एविडेंस है ये लेगा कौन? आप भी ले सकते हैं, और आपके बिहाफ पे कोई और भी ले सकता है। आर्टिकल्स ले सकते हैं। अच्छा, जो आपने लिया है, आप देखिए कितना बढ़िया प्रोसेस ऐसे 200 ले जा रहा है आपको। पहले कह रहा है इवेल्युएट कर लो, रिस्क असेसमेंट कर लो, अगर ठीक समझे तो ऑडिट लेना, ठीक नहीं समझे तो मना कर देना कि बहुत बिजी हो। अगर ठीक समझा तो प्लान बना लो, यहां तक तुम ऑफिस में बैठ के कर लो, उसके बाद क्लाइंट की साइट पे पहुंच जाओ या उसकी बुक्स अपने यहां मंगवा लो, ऑडिट एविडेंस लेना शुरू करो, खुद लो या कोई और ले, लेकिन ओपिनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। और हां, एक काम करना, जो भी लेना ना उसकी फाइल बना लेना, दिस इज कॉल्ड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इस पर सेपरेट एसे है, हर एक टॉपिक पे एसे है, ये ध्यान रखिएगा। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, अच्छा सब कर लिया तो अब बताइए क्या करें, अब बताइए क्या करें। जब सब कर लिया तो ऑडिट रिपोर्ट दे देना। इस पे 3 ऐसे आ चुके हैं 700 की सीरीज में। जब सब कर लिया तो ऑडिट रिपोर्ट दे देना। पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करूं? यू डोंट वरी, विल डिस्कस ईच एंड एवरी थिंग सेपरेटली। अब इसके बाद ऐसे 200 ही तो डिस्कस करना आपको। ये लिख लिया आपने, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, व्हाट दे हैव सेड, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यहां बस ये बढ़ा देना, ऑफ एन एंटिटी।
While it is a systematic and independent examination of financial information of an entity irrespective of its size, nature or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon, this is the definition of auditing. एक एक शब्द अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है. सिस्टमेटिक, इंडिपेंडेंट, एग्जामिनेशन, इंफॉर्मेशन, एंटिटी, इररिस्पेक्टिव, व्हेन, या व्हेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन एंड देयर ऑन. इस दो चार लाइन की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने में कम से कम एक से डेढ़ घंटा लगता है. अपन कल मिल रहे हैं या परसों? देखिए किताब जी अभी इसी इंटरव्यू भेज दे लेंगे. थैंक यू. अरे भाई किसी का बर्थडे भी है, ले आइए. अच्छा काट दिया है? अबे लगता है दांतों से काटा हुआ है, तो छुरी छुरी से काटा हुआ नहीं लगता ये. हाँ बहुत सही है. एक या तीन है? कितनों का बर्थडे है? है एक ही का. अच्छा केक पांच आए हैं. ओहो सफर खूबसूरत है मंजिल से भी. कोई भी एक दे दो भाई. अरे वो चाकू कहाँ गया सर? अरे आप लोगों ने लिया कि नहीं लिया है? तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हैं? आ जाइए ना फोटो सर पहले. आ जाइए आ जाइए आ जाइए. अरे अरे आकाश किधर गए? आ जाओ बच्चे का बर्थडे. यहाँ तो डीजे वीजे चलवाना चाहिए था. सूखा सूखा बर्थडे मना रहे हो, मजा नहीं आएगा. अरे तो फिर ये ठीक नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा. आप फिर सबके साथ क्यों? वाई देर शुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग मी क्लिक्ड विद टू थ्री पीपल. आई शुड बी क्लिक्ड विद ऑल ऑफ स्टूडेंट्स. लेफ्ट राइट सबके साथ हो ना? यस सर. इधर आ जा, ऊपर आ जा. ऊपर आओ सर. ऊपर जा रहे हैं भैया. ठीक है. तेरा नाम क्या? नासिर. नासिर हैप्पी बर्थडे टू नासिर. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. आइए बस बस ले लिया थोड़ा सा. थैंक यू. मैं अपने हाथ से थोड़ा इधर वाले में चाकू का चाकू लड़की चाकू लग गए भाई.